लिस्टिंग तो अच्छी होती भी हमने देखी ही थी, पर उस लिस्टिंग के बाद से भी लगभग अभी देखिए तो करीब 30% के रिटर्न्स दिखा चुका है ये काउंटर। संतोष जी के पास 100 शेयर्स हैं और मौजूदा भाव से लगभग 400 रुपए नीचे 1450 की इनकी खरीद है, तो यानी मोटा मोटी इनको 4500 के आसपास इस पूरे निवेश में प्रॉफिट हो रहा है। रवि, आपसे इस पे राय लेंगे क्योंकि इनका कहना है कि अभी तो ये निवेश में बने ही हुए हैं पर ये और भी स्टॉक्स ऐड करना चाहते हैं, तो ये क्या करें, अभी और इसमें मौजूदा भाव पे और एड ऑन कर लें या फिर थोड़े से डिप की वेट करें और फिर उसके बाद निवेश करें, और जो मौजूदा निवेश है उसके लिए क्या टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं? देखिए, कंपनी ने जिस ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पर लिस्टिंग करी थी उसको कंटिन्यू रखा है और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर बताया है। एड ऑन के लिए मैं चाहूंगा कि कम से कम थोड़ा सा यहाँ पर प्राइस को और नीचे आना चाहिए, लगभग 1700 से 1750 ये रेंज थोड़ा एड ऑन के लिए काफी अच्छा है। टारगेट की बात करें तो अपसाइड टारगेट करीब 2200 रुपए तक का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकता है, यानी कि करंट लेवल से भी एक अच्छी खासी रैली यहां पर देखने को मिलेगी। और जिस हिसाब से कंपनी अपने फंडामेंटल स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ यहां पर है, तो मुझे लगता है आपको लॉन्ग टर्म पे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे स्टॉक से। अच्छी बात है कि आप ऐड करना चाहते हैं, लेकिन इस रेंज पे ऐड करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। और अगर आपको करंट लेवल से ऐड करना भी है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप 100 रुपए का निवेश अगर करना चाहते हैं तो 20 रुपए का निवेश आप करंट लेवल से ऐड करना शुरू कर दीजिए, और जैसे ही 3% गिरता है 2% गिरता है तो आप अपने 40% का निवेश और फिर जो बचा हुआ आपका 30% है वो आप निवेश कर सकते हैं। तो 1750 तक या 1700 तक लेवल पर आप अपने पार्शियली निवेश को बनाकर रखिए। अपसाइड टारगेट 2200 रुपए का। ठीक है, मैप माई इंडिया, अच्छा बिजनेस और मजबूत क्लाइंट से, और आपको हर लेवल पर अगर शेयर करेक्ट होता है तो वहां पर आपको निवेश करने की सलाह दी जा रही है। 2200 रुपए तक ये लक्ष्य।